अमर सपूत राणा बेनी माधव की मूर्ति पर आयोजित हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपना अतुलनीय योगदान देने वाले बैसवारे के अमर शहीद राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 217वीं जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन बैसवारे के हृदय स्थली लालगंज में कानपुर रायबरेली मार्ग पर स्थित विशाल कायकांश प्रतिमा पर आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपने वीर सपूत को पुष्पांजलि करते हुए सैरनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह, राणा बेनी माधव बख्श सिंह 1857 क्रांति के वीर सपूत हैं, जिन्होंने संपूर्ण देश वालों को अपनी तलवार के दम पर 18 महीने तक अंग्रेजी शासन से मुक्त रखा। श्री सिंह ने कहा, बंटवारे की धरती वीर सपूतों की धरती है। इसमें राणा बेनी माधव के अलावा राजा राव राम बख्श सिंह ने अपनी तलवार से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। आज हम सब इन वीर सपूतों को नमन करते हुए प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इन वीर सपूतों की कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। इस अवसर पर शिक्षक नेता आशीष प्रताप सिंह बैशवारा, पीजी कॉलेज के प्राचार्य निरंजन राय, किसान नेता रमेश सिंह, मानव अधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह, कांग्रेसी नेता महेश शर्मा, राहुल भदौरिया आदि लोग मौजूद रहे। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18 जिला संवाददाता, रायबरेली। विधायक जी, 1857 क्रांति के महानायक बैसवारे के रणबांकुरे, जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर कई महीनों तक इस बैसवारे को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त रखा, उनकी मूर्ति की स्थापना यहां पर की गई थी और आज उसका प्रथम वर्ष है, यानी कि प्रथम जयंती है। इस मौके पर आप यहां पर आए हुए हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? राणा बेनी माधव सिंह जी की जयंती है, उस अवसर पर हम सभी क्षेत्र के लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। राणा बेनी माधव सिंह एक इतिहास पुरुष हैं, हमारे क्षेत्र के गौरव हैं और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अवध क्षेत्र का नेतृत्व महाराणा राणा बेनी माधव सिंह जी ने किया था। अंग्रेजों ने भी अपनी पुस्तकों में लिखा है कि सबसे भयानक अगर युद्ध कहीं पर हुआ था तो भीरा गोविंदपुर से लेकर बैसवारा की धरती होते हुए बिठूर तक हुआ था। अंग्रेजों के दांत खट्टे करते थे राणा बेनी माधव सिंह जी ने। ऐसे वीर पुरुष के जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए। ठीक है।